रोमिल करेगा अब खतरनाक कांड, नहीं रोक पाएगा अंकुश मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज जो हमने देखा, अनुज और अनुपमा ने बहुत समझाया रोमिल को, डांटा सब किया, अंकुश ने सॉरी भी बुलवा दिया, अनुज ने सजा भी दे दी, ये सब हो गया रोमिल के साथ। मगर इस सब का असर क्या हुआ? क्या रोमिल सुधरा या फिर सुधरने की कोई उम्मीद है, या फिर ये लोग ऐसे ही रोमिल को सुधारने का जिम्मा ले चुके हैं? और अंकुश यहां पे क्या कर रहा है? क्या अंकुश रोमिल को संभाल पाएगा? दोस्तों, रोमिल जैसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि ये जो धारावाहिक में रोमिल का कैरेक्टर आया है ये रियल कैरेक्टर है। मैं इसलिए कह रही हूं कि ऐसे कैरेक्टर मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, और इन कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वही मैं यहां पर डिस्कस करूंगी, और उसकी एक झलक रोमिल ने आज की कड़ी में दिखा भी दी है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपनी ही एक एग्जांपल से शुरू करती हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है, ऐसा ही टीनेजर बच्चा, उसका घर का माहौल तो ऐसा था नहीं, अपने ही पेरेंट्स थे, अपने ही मां बाप के साथ रहता था, मगर बिगड़ गया, बिगड़ी हुई संगत में चला गया। बहुत अच्छे पेरेंट्स और फादर आउट ऑफ कंसर्न उसको सुधारने के लिए गुस्सा करना शुरू कर दिया। एक दिन बच्चा आ गया दारू पी के, शराब पी के आ गया घर में, और शराब लेके आ गया साथ में, और तब मैं, वो मेरी फ्रेंड का ही घर है, मैं उनके घर पे ही थी, और फादर ने, जैसा कि अनुज ने भी किया, सब करते हैं, फादर्स को गुस्सा आता है, जबकि अनुज तो फादर भी नहीं है, और यहां पे वो रोमिल भी नहीं है, यहां पे तो वो अपने फादर मदर सबको जानता है, उनका कंसर्न भी समझता है, फिर भी उस बच्चे ने अपने फादर को सामने से बहुत ही खराब डायलॉग बोल दिया, और जब फादर की बेइज्जती की तो मदर को भी गुस्सा आ गया। मदर ने भी बच्चे का कॉलर पकड़ लिया, ऐसे कैसे तू बोल सकता है अपने पिता से। बच्चा जैसे रोमिल था पूरे उसमें, अपने नशे में, बच्चा भी नशे में था। तब मैंने वहां पे थोड़ा सा उस बच्चे को देखा और फिर मैंने कहा, आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए, इसको बैठने दीजिए, अभी इससे अगर आप कोई भी बात करोगे, मैंने उनको अलग से बोला, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, उन बातों का उल्टा ही असर इस बच्चे पे पड़ेगा। एनीवेज, मैंने बच्चे के साथ वहां सोफे पे बैठ के, वो उसने अपना वो खोला, एक और बॉटल खोला उसने, और उसने बोला कि नहीं मैं अब ये लूंगा। मैंने बोला ले लो बेटा, कोई बात नहीं है, मुझे बताओ मतलब क्या हो रहा है लाइफ में, कैसा है, मतलब क्यों? बोला मेरा ब्रेकअप हो गया, ये लोग समझते नहीं है। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने रोना शुरू किया तो मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेकअप के ऊपर थोड़ा जोक्स क्रैक करने शुरू किए, उसको थोड़ा सा हंसाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा उसको मतलब समझाना शुरू कर दिया, समझाना नॉट इन द सेंस कि ऐसा करो वैसा करो ये हो जाता है, अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस थोड़े अपने पास से लगा के कुछ ऐसा किया कि मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कि वो बच्चा रो भी रहा था हंस भी रहा था। और दोस्तों ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस में उस बच्चे ने वो जो बॉटल लेके बैठा था उसने उसमें से वही एक पैग पिया, और उसके बाद उसने बोला कि नहीं मेरा अभी मन नहीं कर रहा पीने का, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। इन द मीन वाइल मैंने उसके फादर को इशारा किया कि आप भी आके बैठ जाओ, ये देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है। वो भी साथ में आके बैठ गए, बच्चे ने बकायदा सोफे में आगे होके मेरी तरफ बढ़ के अपने फादर को जगह दिया, उसके फादर वहां पे आके बैठ गए, और उसके फादर ने मुझे ऑब्जर्व किया कि मैं कैसे बात कर रही हूं बच्चे से। और जब ये बातें हुई तो एक पॉइंट ऐसा था कि मैं, बच्चा, वो और उसके फादर और किचन में खड़ी उसकी मदर, हम सारे हंस रहे थे, और इस पूरे सीन में बच्चे ने अपने फादर से सॉरी फील किया कि मुझे प्लीज मैं सॉरी फील करता हूं कि मैंने गलत किया आपके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने अपना गुस्सा आप पे निकाल दिया। तो दोस्तों इस सिचुएशन के साथ ही मैं इस वीडियो को टेक ओवर करूंगी कि आज जब रोमिल बाद में जाके कहता है कि अनुज कपाड़िया और अनुपमा आपने अच्छा नहीं किया,
तो ये उसका वो खतरनाक स्टेप की तरफ बढ़ना है जो वो आगे कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी उसके मन में सबके लिए नफरत है। और नफरत होना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। रोमिल उस जगह से आया है जहां पे उसको कोई अपना नहीं है, और उस जगह में आया है जहां पे उसको कोई अपना नहीं है। उसको किसी से प्यार मोहब्बत तो हो ही नहीं सकता। ह्यूमैनिटी के लेवल पे सोचे तो वो होना जरूरी है, उसमें रोमिल लैग कर रहा है। अब ह्यूमैनिटी उसकी बैकग्राउंड में क्या हुआ है हमें नहीं पता, बट यहां पे उसने ह्यूमैनिटी भी दिखाई। जब उसने अनुपमा से बात की, उसकी आंखों से आंसू भी निकले, और अंकुश ने जैसे उसे सॉरी फील करवाया, उसने सॉरी फील किया मजबूरी में, क्योंकि उसको अनुपमा की बात समझ में आ गई कि यहां से गया तो कुछ नहीं होगा। मतलब वो कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेट कर रहा है चीजों को, क्योंकि शुरू में जब रोमिल आया था उसने यही कहा था कि मुझे तो पैसों से मतलब है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये करो वो करो कुछ करो, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो ये वन लाइनर जो रोमिल की मैं बता रही हूं, ये उसका करेक्टर है जो इस बड़े कांड की तरफ जा सकता है। और अंकुश यहां पे, जिस स्टेज पे अंकुश खड़ा है, क्या कोई भी बच्चा अपने पिता को इस स्टेज पे खड़ा पाएगा जो किसी और के रहमो करम पे है? उसने साफ साफ कहा कि ये घर अनुज और अनुपमा का है, मतलब उसके पिता का घर तो नहीं है ये। यहां पे सिर्फ उसकी जरूरत पूरी हो रही है रोमिल की, और उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और जब ऐसी स्टेज होती है और इस स्टेज में कोई बार बार उसको बेइज्जत करता है, बार बार उसको ये जो है स्ट्रिक्ट लेक्चर देता है कि ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं वैसा करो, ये सब करने से पहले आपको, जो भी जिसके भी साथ ऐसा होता है, जिसके भी घर में या घर के आसपास होता है, पहले बच्चे की प्रॉब्लम को समझो। मैं ये नहीं कह रही कि अनुज गलत कर रहा है या अनुपमा ये कर रही है, मैं नहीं कह रही है। मैं इस माध्यम से उन सबको कहना चाहती हूं कि बच्चे को डांटने की जगह, एक बच्चा जो नशे में पूरी तरह से तर है, उसको उस समय डांटने की, उसमें जाने की जगह पे उसको हैंडल करने की टेक्निक को ढूंढो। हर बच्चा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, और जब ये टेक्निक आ जाएगी तो बच्चों का ये नशे वाला जोन भी बदल जाएगा। जब हम बच्चे की लाइफ को खुद होल्ड करना चाहते हैं, और खास करके इस एज में, मैंने कल भी कहा था वीडियो में, इस एज में ना सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करता है, बल्कि बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और वो सब चीजें एक सिंगल इंडिविजुअल हैंडल कर रहा होता है। और जब वो सिंगल इंडिविजुअल ये सब इमोशनल ट्रैप में भी होता है, तब और भी डिफिकल्टीज होती है। तो जो आज रोमिल ने कहा दोस्तों, आपने सुना कि ये खतरनाक वाला जो उसने स्टेटमेंट दिया कि अच्छा नहीं किया मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करके, आप उस डायलॉग को बार बार सुन सकते हैं। अनुज और अनुपमा ने जितना भी कुछ कहा, जो भी कुछ कहा, सॉरी भी बुलवा लिया अंकुश ने, मगर ये पूरी कन्वर्सेशन में उसको याद क्या रहा रोमिल को? सिर्फ ये कि मेरी बेइज्जती की है मेरे फ्रेंड्स के सामने। तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। रही बात अंकुश की, तो अंकुश कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंकुश के प्रति तो पहले से वो सोची बैठा है कि ये तो बेकार है। अगर यहां पे कुछ कर पाएगी तो वो है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा ने बच्चों को बड़ा किया है, अनुपमा ने ये एज के प्रॉब्लम्स को समझा है, चाहे वो पाखी हो, चाहे वो तोशु हो, चाहे वो समर हो। और रोमिल को सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही हैंडल कर सकती है, और वो करेगी भी, नहीं जाने देगी रोमिल को गलत ट्रैक पे। अभी क्योंकि अनुज जो है, अनुज का एक मेल का जो होता है वैसा उसने रिएक्ट कर दिया, और जहां पे थप्पड़ मारना था वहां पे थप्पड़ भी मार दिया। उसने ये सब किया अपनेपन में कि मेरे भाई का बेटा है, मैं उसको ऐसे समझाऊं। मगर यहां पे अनुपमा समझ रही है, जैसे कि आज भी देखा आपने कि जब रोमिल बोल रहा था तो अनुपमा रोमिल की तरफ देख रही थी, वो उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझ रही है। और अब ये बच्चा और बदतमीज होगा दोस्तों, मगर अब इसकी ये जो हुआ है ना कांड, ये सारा कांड हुआ है, अब इसकी बदतमीजी के बीच में झूठ भी आ जाएगा। जो उसने कहा था ना कि मैं सब कुछ मुंह पे बोलता हूं, अब जो उसकी मजबूरियां गिनवा दी है कि तेरे पास घर नहीं है, ये नहीं, कहां जाएगा अब वो, ये तो उसने समझ लिया कि मेरा मतलब क्या है।
अब उसके अंदर ये भी आ जाएगा कि मुझे इस चीज को हैंडल कैसे करना है, मुझे इसको खुश रखना है, मगर अंदर से तो वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो बहुत लंबा है ये विषय जिसके ऊपर बात की जा सकती है, मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी आज के उसमें क्या है कि ये रोमिल कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और कोई ना कोई बड़ी ठोकर खाएगा, जिसकी वजह से उसको आगे जाके थोड़ा सा अनुपमा से सहारा मिलेगा, अनुपमा की बातों को समझेगा और फिर सुधरने के चांसेस भी बनेंगे। मगर हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, ऐसे हैंडल किया तो ये आगे आगे और भी रेबिलियन बनता जाएगा और भी विद्रोही बनता जाएगा। मुंह पे नहीं कहेगा मगर पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कुछ कर जाएगा, क्योंकि अब चालाकी भी ऐड हो गई है। तो मेरा आज मैंने बहुत बोल दिया, यही कहना है इस वीडियो में। बाकी आप भी बताइएगा आपका इसके बारे में क्या है रिएक्शन, मेरे इस बात पे भी क्या है रिएक्शन, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.